इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो बच्चों ने कहा माई धन छार भ्याल कपाल हो संतगन जगिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जो विकट मुख रज नीचा जो जियत रहे परात दे पुण्य कर के कर सही देखे सो माग बाहु कर कर आते अखिल विकल करे हाँ सिर से पांव तक माई राख पहने गले से सिर तक सात जगह जटा मुकुट हिमौर समर सांप पहने कान में कुंडल कंबल श्वेतर कुलकी और करकोटक ये बाजूबंद में कान में कंगण में कहिए मत माई बाघ अंबर पहने थे बाबा तो गणों ने पहनाया था एक नाग से वासुकी का जनेऊ पहनाया था तो बागम्बर का स्वभाव कड़ा होता है और दिखा तो बच्चे समझे कि कपड़ों नहीं पहरे हैं तो बागम्बर तो कड़ा होता है नंदी पर बैठे होंगे बाबा ऐसे आनंद मूर्ति हैं। देखो जो दिगंबरी होता है ना उसके कोई भाव नहीं होता है संसार के प्रति बाबा तो संसार के प्रति अगुन अमान मात पितुहीना अगुन वो सतरज तम से परे बाबा का स्वरूप है इसलिए विकार है नहीं। लेकिन बच्चों ने जैसा देखा बच्चों ने कहा माई नगन जटिल जटाएं उसकी बड़ी है दिखने में कैसा लगता है भयंकर साथ में भूत प्रेत इनकी जमात आई है जो रात में दिखते थे वो दिन में हाजिर हो गए बरात देख के जो जिंदा रहे वो पुण्यशाली हम लोग तो अब जाने से रहे माताएं समुझ महेश समाज सब जन जनक मुसुका बाल बुझाए विभेद मैना शुभयारती समान सुमंगल का कंचन धार सोह पर पानी पर छन हर ही हरे सारे विकट वेश रुद्र ही जब देखा अब लन उर भय मां विभवन पैठी अति राजा मां विभवन पैठी अति राजा जय महेश जहां आरती की थाल लेकर मैना मैया माँ भवानी जी की जननी माँ मैना मैया पहुंची सन्मुख दूल्हा को देखकर घबरा गई ये बावले के साथ मेरी लाडली कैसे रहेगी हरे राम रे राम। किसने पूछा कि दूल्हा किसने बताया नारद जी ने बताया मैया ने नारद जी को कस के गरी आया नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन ऐसा उपदेश सुमय जिन की ना बौरे बरे लाग थाचे उनके मोहन माया उदासीन धन धाम न जाया भगवान उनका भला नहीं करेंगे जैसा मेरे साथ किए हैं भोग हैं। कोई माई बोले उनका तो ब्याह नहीं हुआ क्रोध में बोध नष्ट हो जाता है क्या कहना क्या नहीं कहना आदमी इसका विचार नहीं करता है इसलिए क्रोध में कुछ कहना नहीं चाहिए क्रोध आवे तो चुप रहना चाहिए क्रोध में इधर उधर भी नहीं हिलना चाहिए आदमी कुछ भी कर जाता है क्रोध आए तो शांत रहे क्रोध रोका नहीं जाता क्रोध हम आजकल क्रोध कम कर रहे हैं होता ही नहीं है क्रोध कम थोड़ी होगा अबोधता ही क्रोध है क्रोध कम नहीं होता है और जिसको लगता है कि क्रोध कम कर रहे हैं उसका बढ़ रहा एक के दिन फूटेगा जो नहीं कम हो सकता उसको कम मत करिए
और काम करिए, भगवत भजन करिए, धीरे धीरे शमन को प्राप्त हो जाएगा। क्रोध पर बस कर रहे हैं, काम पर बस कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, अपने को ठगने जैसी बातें। कामना, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये कम ऐसे नहीं होते, ये भजन के प्रभाव से भगवत सदगुरु कृपा से ही कम हो सकते हैं। बड़े बड़े तुर्रम देखे, बड़े बड़े कनफट्टे देखे, बड़े बड़े विरागी देखे, बड़े बड़े आत्यागी देखे, एक नहीं देखे जिनके लोभ नहीं तन में, मोह नहीं तन में, बोध नहीं, सब जगह सब सर्व सर्वत्र फैला पड़ा, कोई कम बेस नहीं होता। माँ इतनी दुखी हैं, मैया जी को भवानी माँ ने संभाला है, नारद जी वेदसेना आदि आए और सत्य स्वरूप माँ का पहचान कराए, आपकी बेटी, आपकी बेटी नहीं जग जननी है, आपके पुण्य प्रभाव से आपकी पुत्री हुई है। जैसे पता चला कि भवानी जी तो जगत माता हैं, तब मैना हिमांचल को बड़ा आनंद हुआ। बोलिए पार्वती मैया की, जग जननी मैया की, अन्नपूर्णा मैया की, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासन जग संभव पालन लय कारिण निज इच्छा लीला बपो। ये आपकी बेटी जगत माँ है, आपका पुण्य है, आपकी पुत्री हुई है। तब मैना हेमंत नंदे पुन पुन पार्वती पद लगे हो नपुर मंगल गाना सजे समय स्वर्ण के कलश सजाए गए, तोरण द्वार बनाए गए। अब माँ जगजननी के विवाह की पूरी तैयारी, इधर बारातियों को भोजन प्रसाद कराया गया, पितामह ब्रह्मा गए मंडप में, अब अपने हाथ से जो विमान का श्रृंगार किया, करने लायक क्या कहें आप, अद्भुत सजाया है। हम जितना आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, उतना ही हम श्रृंगार का स्मरण रखते हैं, उतना ध्यान रखते हैं। सिंहासन यत दिव्य स्वभावा जाय न बरन बिरंच बनावा बैठे सिम विप्रन सिरुना सुमिरि निज प्रभु। मुनियों ने बुलाया है, माँ को सखियाँ लेकर के आई और मैना माँ के बगल में बिठा दी। विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, भद्रम कर्णे भीषणे आमे देवा आदि मंत्र गाए गए, शस्त्र इंदो विधर्षणा आदि मंत्र गाए गए, शांति पाठ हुआ और तब मुनि अनुशासन गणपति हुपोजव शंभु भवान को सुन संशय कर सुरयना। विवाह कैसे हुआ? जैसे विवाह के विधि सोई गाए, बे
बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नब भय विधि नाना हर गिरजा कर भयउ सकल भुवन भरि रहा दासी दास तुरग नथ नागा धेनु बसनु मनि अन्न कनक भाजन दाईज दीनिन हिमांचल राज ने कन्या दान के पश्चात कितनी सामग्री दाईज में दी। दाईज बोले तो दहेज, जिसका वर्णन नहीं होता था। वर्णनातीत सामग्री कन्या के संग में हिमांचल राज ने भेंट कर दिया। किसको? वर को। उनको क्या काम, खा कर ही ले जाके बाबा ले नहीं जाएंगे, एको यहीं बांटेंगे। ये विधि है, दान के बाद दक्षिणा देना ही पड़ता है, ये धर्म सम्मत विधि है और विधिवत देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ले लिया तो आगे बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। किसने हमको दिया तो हम आगे दें, और जो उनको हमने दिया तो वो भी आगे दें, देते रहना चाहिए। देने से बढ़ता है, रखने से सड़ता है। धन भी कहीं गड़ा हो ना तो उस पर नाग बैठ जाते हैं। तीन पीढ़ी तक के दिन धन न खोला गया तो उस पर सांप बैठ जाएंगे। वो धन चलता रहता है, यहाँ से रखा तो वो कोने चला जाएगा, वो कोने। कई लोग अपन घर खोद डाले थे, एक बने एक बाबा जी सोना के लिए पहाड़े खोदवाई मारे, पहाड़े सोना निकसी। अरे सोना काहे निकसी, तो दाइज दियो कितना। देखिए चौपाई दोहा छंद क्या कह रहे हैं, दाइज दियो बहु भांति पौनी कर जोनी रन काम शंकर शिव कृपा सागर कर शिव कृपा सागर मर्यादा है, मर्यादा का पालन करना चाहिए और व्यवहार तो बहुत निर्द्वंद रहना चाहिए। लोभ में नहीं रहना, त्याग में रहना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।